गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, बिल्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फर्स्टली व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। Judiciary work is divided into the following types. Number 1, dispute resolution. The judicial system resolves disputes between citizens, between citizen and the government, between two states governments and between the center and state governments. न्यायालय का सबसे मेन वर्क क्या होता है, लोगों के झगड़ों को सुलझाना, गवर्नमेंट और लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, गवर्नमेंट्स और स्टेट्स जो टू गवर्नमेंट्स के बीच में, टू स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करना, सेंटर स्टेट के गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा जब कहीं आपस में किसी की लड़ाई होती है मोहल्ले में या आपके विलेज में, तो अधिकतर लोग क्या धमकी देते हैं कि चलो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, अधिकतर ये धमकी दी जाती है। तो जुडिशरी का मेन वर्क है लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट वर्क, जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशरी इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर फोर इट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट दिस आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी का मेन वर्क है एंड अदर वर्क जब कॉन्स्टिट्यूशन को की व्याख्या करना, अगर कभी भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मीन्स पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो वो उसको देखती है और उसको चेंज करती है कि इसको कोई भी लॉ जो एग्जीक्यूटिव पास कर रही है, पार्लियामेंट पास कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। नाउ upholding to law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी भी citizen को ऐसा लगता है कि जो fundamental rights उसको by constitution दिए गए हैं वो कोई भी जो government है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो अधिकार हैं उनको वायलेट कर रही है, उनको हरण कर रही है, उनको छीन रही है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जैसे हमारे 6 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिटीजन के राइट्स को वायलेट करा जाता है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकता है। नाउ अदर टॉपिक, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। What is the independent judiciary? The other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. जुडिशरी के वर्क में चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यही रीजन है जब करप्शन बहुत बढ़ता है तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी जेल होती है, बिकॉज ये रीजन है हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के कारण ही जो अदर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको भी सेम पनिशमेंट दी जाती है। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट है वो ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट किसी के भी अंडर में वर्क नहीं करती है, किसी के बिहाफ पे वर्क नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को करती है, जजमेंट देती है। ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड विद द वेरी लिटिल इंटरफेयर फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी जज को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट में जब इनके अगेंस्ट में मेजोरिटी में वोट डलते हैं तो प्रेसिडेंट तब इनको रिमूव कर सकता है, इजिली इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। नाउ और सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया। There are 3 different level of court in our country. हमारी कंट्री में 3 जो कोर्ट्स हैं उनको 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नंबर 2 पे हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स,
फुल इंडिया का पूरी कंट्री का एक कोर्ट है SC यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर सभी स्टेट्स में एक एक हाई कोर्ट दिया गया है एंड फिर हाई कोर्ट्स को यानी स्टेट्स में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिए गए हैं, इसलिए 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसका रीजन ये भी है जिससे जो आम जनता है उसको जो न्याय है वो इजिली मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड प्रेसिडेंट आवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स ईस्ट स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में है और इसके जो मेन है वो चीफ जस्टिस होते हैं। ईस्ट स्टेट हैज हाई कोर्ट विच इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट और हर स्टेट में, इंडिया की हर स्टेट में 28 सब स्टेट्स में क्या होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे एंड सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सभी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। दिस कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड प्रिसाइड और बाय डिस्ट्रिक्ट जज। द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट एंड person can appeal to a higher courts if they believe that the judgment passed by the lower court it is not just through the appellate system। agar kisi ko lagta hai ki jo district court mein jo ke sath nyay hua hai wo sahi nahi hai jo bhi judgment mila hai to wo appeal kar sakta hai high court mein aur high court ke agar judgment se usko lagta hai ki uska अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से सिटीजन को ये लगता है कि उनका जजमेंट राइट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वोच्च होगा, वो मान्य होगा, उसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।